हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के पार्ट 3 की। मैंने इससे पहले के दो वीडियोस में आपको ग्राफ का कंप्लीट मेथड बताया था, जिसमें कि तीन अपन ने मेथड पढ़े थे, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, और संगत और असंगत यानी इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट निकाय की पहचान करना भी सीखा था। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ जाके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन देखिए हेडिंग मैन क्या है कि जो रैखिक समीकरण होते हैं जिनमें एक्स और वाई की पावर 1 होती है, उनको आलेखी विधि यानी ग्राफ से हल करना है, और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक भी बताने हैं जो वाई एक्सिस पर होंगे, यानी जहाँ ये रेखाएँ वाई एक्स पर इसको काटेंगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए अपन क्या करते हैं कि टेबल बनाते हैं स्टूडेंट, और इस टेबल में अपने को वैल्यू किसकी लेनी होती है, एक्स और वाई की। क्लियर, यही सेम सिचुएशन इधर रहनी है, एक्स और वाई, और यहाँ भी अपने को दो वैल्यू लानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले एक्स की जगह जीरो रखते हैं। तो देखिए x की जगह जीरो जब आप रखोगे तो कैलकुलेशन क्या बनेगी कि -5y + 4=0। तो y इक्वल हो जाएगा, ये चार उधर जाएगा माइनस का, तो 4/5 हो जाएगा, 5 का भाग 4 में देंगे तो 0.8 आएगा। क्लियर, 0.8। तो अब आप देख सकते हो यहाँ x का मान क्या रखा था, 0, और y का मान आया 0.8। तो इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया हमको, कौन सा, a। क्या है इसके कोऑर्डिनेट, 0.8, ये हो गया आपका ए। अब चलिए ठीक है, अब अपन चलेंगे इसमें वाई में। तो जब वाई की जगह जीरो रखेंगे तो आप देख रहे हो वाई जीरो होते ही ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब बचेगा 2x + 4=0, तो ये आपका बचा 2x + 4=0। तो जब ये 4 उधर जाएगा स्टूडेंट, किसका होगा, माइनस का, 2 से ये आप कैंसिल करोगे, x की वैल्यू आएगी -2। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ अगला कोऑर्डिनेट आया -2, 0, ये किसका मान हो गया आपका, ये हो गया b का मान। अब ऐसे ही यहाँ चलते हैं, दो पॉइंट यहाँ से आएंगे। x की जगह जब मैं जीरो रखूँगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये -8 उधर जाएगी, तो y का मान आ गया प्लस का, यानी c के बिंदु आ गए 0.8। क्लियर, अब चलते हैं आगे। अब y की जगह जब आप देखो, अभी आपने किसकी जगह जीरो रखा, x की जगह, अब वाई की जगह जब आप जीरो रखोगे तो ये वाई पूरा जीरो में चला जाएगा। क्लियर, इस तरह। अब ये 2x = 8 आएगा, तो इसे 2 से 8 काटोगे 4 बार, तो यहाँ 4.0 ये आपका डी आ गया। अब इन चारों पॉइंट से चलिए ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं ग्राफ की सिचुएशन क्या रहेगी। तो अब स्टूडेंट ABCD चार पॉइंट आपके सामने हैं, तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगी। क्लियर, ये तो ये मैंने आपका ले लिया O, और ये हो गया X एक्सिस, और ये हो गया Y एक्सिस। क्लियर, OXY। अब ये कह रहा है 0.8, तो देखो इसमें वही है पैमाने की जो माप अपन को लेनी है वो हर बार की तरह वही है, 1 इकाई = 1 cm। जब तक कि ज़्यादा बड़े बिंदु नहीं आए तब तक इसे अपने को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये है 0.8, तो 8 cm अपने को लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये पॉइंट हो गया अपना कौन सा, सी। क्लियर, डी क्या है, 4.0, तो 1, 2, 3, 4, ये डी हो गया। ये तो सी और डी को मिलाती हुई लाइन हो गई स्टूडेंट, सी और डी। अब लेकिन ये ए और बी वाली भी खींचनी, तो ए क्या है 0.8, तो 0.8 का मतलब है 8 मिलीमीटर, तो ये तो है स्टूडेंट 1 cm, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 8 मिलीमीटर लगभग इधर आएगा। ये ग्राफ में जब आप गिनोगे तो छोटे हमको 8 खाने के लेने हैं, ये हो गया ए। बी है -2.0, माइनस है तो ये आपका इधर आ जाएगा -2.0, ये हो गया अपना बी। तो अब ए से बी को मिलाती हुई लाइन अपने को खींच देनी है, ये हमने ए से बी को मिलाती हुई लाइन खींच दी,
क्लियर, ये आपकी लगभग यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने आपको बताया था जहाँ इंटरसेक्ट करे वहाँ से आपको परपेंडिकुलर खींचने हैं, लंब डालने हैं, एक्स अक्ष पर भी और वाई अक्ष पर भी। क्लियर, अब ये पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट, ये है अपना तीन, तो एक्स की वैल्यू तो हो गई तीन और ये पॉइंट कितना, एक और एक दो, तो वाई की वैल्यू हो गई आपकी दो। ये आ गए एक्स और वाई के मान। अब मैंने आपको बताया था जो भी मान आए उनको बाद में चेक भी आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं तो इसकी वेरीफाई क्या करेगी। यहाँ पर मैंने आपको इक्वेशन बताया था कि दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल जीरो। अब इसकी LHS ले लो, LHS क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 8। क्लियर, तो इसमें x और y का मान यहाँ रख देंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस वाई की जगह ये 2 और माइनस के 8। तो यहाँ देखते हैं 2 का 3 में हो गया 6 प्लस 2 माइनस 8, 6 और 2 8 माइनस 8 क्या हुआ 0। तो 0 आने का मतलब है कि क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है। क्लियर, तो ये हो गया अपना ग्राफ। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट 6 नंबर का आता है, इसलिए आपको बाद में वेरीफाई जरूर करना है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की गलती कहीं भी हो सकती है। कभी कभी ये अपन लंब डालते हैं तो लंब में भी अपने को मान पहचानने में भी गलती हो जाती है। अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए वो एक चीज़ और पूछ रहा था, एक सेकेंड, ये कह रहा था कि वो पॉइंट ज्ञात करो जहाँ ये वाई अक्ष को काटती हैं। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, अब आप वो बिंदु देख लो जिनके आगे जीरो है। तो आगे जीरो किसके है, ए के और सी के, बस यही दो पॉइंट हमारे आंसर हो जाएंगे। तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु कौन से हुए, 0.08 और 0.8, ये। तो ये दो पॉइंट पूछ रहा था वो, जहाँ वो वाई अक्ष को काटती है। तो वाई अक्ष पर यही दो बिंदु हैं ए और सी, उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं और एक्स और वाई का मान बताना है। तो ये इस तरह से 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसी का रिपीट कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। यहाँ पर है 3x प्लस 2y इक्वल 12, 5x माइनस 2y इक्वल 4। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, इसमें भी अपनी वही हर बार की तरह टेबल बनेगी स्टूडेंट, एक टेबल इसकी बनेगी और एक टेबल आपकी इस समीकरण की। क्लियर, अब ये ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर का है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझना। तो देखिए इसमें करना क्या है, जैसे मान लो ये x और y है, तो x का मान जब 0 लेंगे तो ये देखते हैं y का मान क्या आएगा। तो x 0 लेते ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 से 12 ये कटेगा 6 बार, तो ये 0.6 ये हो गया मान किसका, a का। अब चलते हैं y की तरफ, y का मान जब स्टूडेंट 0 लेंगे तो ये पूरा 0 होगा, तो ये 3 × 12, तो ये 4.0 ये मान हो गया किसका, b का। क्लियर, यही काम हमको यहाँ करना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, तो x और y, x की जगह जैसे ही मैं 0 लूँगा तो यहाँ देख रहे हो x तो पूरा 0 हो रहा है और 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो y का मान होगा माइनस 2। क्लियर, तो ये 0.-2 ये तो हो गया किसका, c का। अब ले रहे हैं किसको, अब ले रहे हैं अपन y को। यहाँ देखिए y की जगह जब आप 0 लोगे तो स्टूडेंट ये y तो 0 हो गया, अब ये तो गया 5 का भाग 4 में लगेगा, तो ये 0.8 बार लगता है। तो यहाँ मान हो गया 0.8.0 ये मान हो गया किसका, d का, a b c d। क्लियर, ये पिक्चर हो गई। अब इसमें आगे चलते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं अपन। देखिए इसमें स्टूडेंट ग्राफ आपका कुछ इस तरह बनना है। देखो ये हो गया x, ये हो गया आपका y और o, 0.6, तो ये आगे 0 होती है तो y पर आएगा 6 सेंटीमीटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया आपका पॉइंट a। अब b क्या है, 4.0, तो 1, 2, 3, 4, ये b हो गया आपका। तो a से किसको मिलाती हुई लाइन खींच देंगे, b को मिलाती हुई, ये तो स्टूडेंट ए बी रेखा का समीकरण हो गया। अब सी के हैं 0.-2, तो आगे 0 है तो वाई पर आएगा लेकिन नीचे की साइड आएगा ये आपका, नीचे की साइड क्यों, क्योंकि 0 आगे है। और 0.8.0 का मतलब है कि यह 8 सेंटीमीटर नहीं खींचने, 8 मिलीमीटर खींचने। तो ये तो है 1 सेंटीमीटर, अब यहाँ से यहाँ तक 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये 8 मिलीमीटर लगभग इधर आएगा, तो ये पॉइंट हो गया कौन सा, डी। क्लियर, अब सी से किसको मिलाती हुई लाइन खींचनी अपने को, डी को,
तो ये मैंने सी से डी को मिलाती हुई लाइन खींच दी। मैंने आपको बताया था जो भी पॉइंट जहाँ आता है, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं, उस पॉइंट से पहले एक्स अक्ष पर लंब डालना है और फिर लंब डालना है वहाँ से वाई पर, और ये देखना है आपको हाइट कितनी मिल रही है। तो इधर तो आप देख रहे हो एक और एक दो की दूरी है, तो एक्स का मान तो दो हो गया आपका, और इधर दूरी देखें तो एक दो तीन की दूरी है, तो वाई का मान कितना हो गया तीन। तो ये एक्स और वाई के दो मान हो गए। अब इनको मैंने बताया था हर क्वेश्चन को अपने को वेरीफाई जरूर करना है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो ये गलत भी हो सकता है। तो देखिए कोई भी एक समीकरण ले लो। अब ऊपर आपने देखो दो समीकरण कौन से लिए थे, एक ये और ये। चलो मैं पहला ही ले लेता हूँ। पहला समीकरण है आपका 3x + 2y = 12। अब ये देखो चेक कैसे करेंगे इसको, तो चेक करने के लिए पहले LHS को लेते हैं। क्या है LHS? 3x + 2y। अब इसमें आपने x का मान 2 लिया था, y का मान 3, ये इसमें रख दो। तो 3 × x = 2y = 3, तो 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, 6 × 6 = 12। अब ये 12 आ गया आपका, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल 100% राइट है। तो इस तरह से अपने को स्टूडेंट्स काम करना है। तो ये था अपना एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये टोटल 3 वीडियो में था, तो ये सभी 3 वीडियो आपको देखने हैं और रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। और ये स्टूडेंट्स केवल स्कूलिंग के लिए ही नहीं है, बल्कि SSC, रेलवे, बैंक और जिन एग्ज़ाम्स में भी एलिमेंट्री मैथ आती है, जनरल मैथ आती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वली यूजफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।